हेलो भाइयों, मैं हूं दीपक देवोतवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाइयों, पाकिस्तान रच रहा युद्ध का प्लान, जानिए। जी हां, देर रात धमाकों से सहमे लोग, पाकिस्तान ने खाली करवाए सीमावर्ती गांव, सीमा के पास मंडराए पाक फाइटर प्लान। जी हां, पाकिस्तान ने जो युद्ध की एक्टिविटी हुए शुरू कर दी है। हम आपको बताते हैं इस खबर में पूरी जानकारी, तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। और जो भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर फटाफट से जुड़ जाएं, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के सीमावर्ती गांव ठोठे वाली में सन्नाटा पसरा है। खेतों में किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं, गांव में वाहनों की आवाजाही भी ठप है और रात को रोशनी नहीं दिखाई देती। ऐसे में माना जा रहा है कि किसी योजना के चलते पाकिस्तान ने अपने सीमावर्ती गांव को खाली करवाया है। भारतीय सेना के पास मंडरा रहे पाकिस्तान सेना के फाइटर विमान, भारतीय सेना के पास रात को पाकिस्तान सेना के फाइटर विमान मंडरा है। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अनूपगढ़, घड़साना और रायसिंह नगर के क्षेत्रीय गांव में शनिवार रात गूंजे धमाकों की आवाज से हुई है। पाकिस्तान क्षेत्र में शनिवार रात करीब 2:33 पर अंतराल पर दो धमाके हुए, गूंज भारतीय सेना में सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि सीमावर्ती गांव में घरों के गेट और खिड़कियां तक हिल गई थी। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इसकी सूचना उच्चाधिकारियों दे दी है। अफसरों ने रविवार सुबह सीमा क्षेत्र की चौकियों व तारबंदी के नजदीक निरीक्षण कर जवानों को सतर्क कर दिया है। रविवार देर शाम बीएसएफ के धमाकों के कारण सुपरसोनिक विमान है, विमान के सोनिक बूम के कारण बम जैसी आवाज हुई। क्या है सोनिक बूम फाइटर? विमान की गति ध्वनि की गति से तेज होती है और जोरदार धमाका होता है, इसे सोनिक बूम कहा जाता है। आवाज बम जैसी निकलती है। इधर सीमावर्ती गांव में हालात सामान्य। श्रीगंगानंद जिले के हिंदुमलकोट सीमा चौकी के समीप जीरो लाइन के पिलर 278 के समीप पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की घटना के बाद आसपास के गांवों में रविवार को माहौल सामान्य रहा। इस मामला ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सीमा पर ऐसे मामले कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से राजस्थान में सीमावर्ती इलाकों में जो हमारे राजस्थान से जुड़ी हुई है उस पर धमाके किए जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है, जिसके तहत गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं भारतीय सेना इसको बता रही है कि पाकिस्तान कोई जंग की रणनीति रच रहा है। हम आपको इसकी लेटेस्ट न्यूज़ और भी देते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर फटाफट से जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाइयों के पास ये जानकारी खबर पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।